गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल राघवेंद्र नगर में मामले पर विद्यालय का स्पष्टीकरण आया सामने। विद्यालय में माता पिता, अभिभावक एवं बच्चों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु एवं बच्चों की प्रोग्रेस हेतु आते रहते हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं टीचर्स पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हर संभव प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी के बेहतर भविष्य हेतु माता पिता एवं बच्चे के साथ संवाद कर समस्याओं का उचित हल निकाला जाए। ऐसे ही कुछ मामले जब विद्यालय प्रबंधन एवं टीचर्स के संज्ञान में आए, जैसे कि बच्चों द्वारा विद्यालय में कीमती घड़ियाँ, मोबाइल, सोने की चेन, अंगूठियां, बड़े बड़े कड़े, टू व्हीलर्स पर बिना हेलमेट के आना, बहुत बड़े साइज का टीका लगा कर आना, ढेर सारे धागे जैसे फ्रेंडशिप बैंड इत्यादि बांध कराना, तो बच्चों को इस बात के लिए उचित सलाह दी गई जिससे उनके साथ रास्ते में आते जाते समय कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। और लगभग सभी स्कूलों में इस तरह की सलाह बच्चों को दी जाती है। आपके स्कूल में 11 अगस्त को गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल पर कुछ घटनाक्रम हुआ जिसको लेके वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है आपका इसमें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुवार 10 तारीख को कुछ माता पिता विद्यालय में आए और उन्होंने ये बोला कि साहब हमारे बच्चे तिलक लगा के आते हैं, आपने लगाने से मना किया है क्या? तो हमने उनको एक्सप्लेन किया माता पिता को कि तिलक लगाने से हमें कोई परेशानी नहीं, हम स्वयं खुद तिलक लगाते हैं और हम हर विद्यालय के कार्यक्रम में अतिथियों का, अभिभावकों का तिलक लगा के ही स्वागत करते हैं। हम हिंदू संस्कृति के अनुसार ही विद्यालय में बच्चों को, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हम सबको आज़ादी देते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें बहुत बड़े साइज़ का तिलक लगा के आ रहे थे जो कि नाक से चालू होकर पूरे माथे को कवर कर रहा था। उनको सिर्फ एक सलाह दी गई, सजेशन दिया गया कि आप इतना बड़ा ना लगा के, चूँकि आप अलग से दिखते हैं असेंबली में, आप छोटा तिलक लगा के आइए जिससे आपकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगेंगे। आपके जैसे और अन्य चीज़ों के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है, जैसे कीमती मोबाइल, सोने की चेन, घड़ी, जेवर या बाइक पे हेलमेट लगाया, ऐसी कोई सलाह बच्चों को असेंबली में लगभग हर स्कूल में दी जाती है। तो हमने भी उसी कार्यक्रम में ये सामान्य सी बात कही, कुछ उसमें से माता पिता को ऑब्जेक्शन हुआ, वो आए, हमने उसको क्या उनको सलाह के रूप में बताया कि साहब अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा है, और अगर आपको लगता है कि बड़ा तिलक ही लगा के भेजना है तो हमने उसके लिए भी अलाउ कर दिया उसको। हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बड़ा तिलक लगा के भेजिए। और इसके लिए हमने उनको कहा भी कि अगर आपको ऐसा लगता है, हमारी बातों से आपको बुरा लगा है, हम क्षमा प्रार्थी हैं, विद्यालय क्षमा मांगता है उसके लिए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद अगले दिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ शहर के सभ्य नागरिकों को इकट्ठा करके और कुछ संगठनों को इकट्ठा करके उनको गुमराह करने की कोशिश की गई, उनको भ्रामक जानकारी देने की कोशिश की गई और उनसे जो है इंटरव्यू कराए गए विद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चों, माता पिता और समाज को गुमराह करने की एक कुछ शरारती तत्वों की साजिश है। उस भ्रामक जानकारी में माता पिता, अभिभावक ना आए। विद्यालय विगत 42 सालों से संचालित है जिसमें हर धर्म, समाज, गरीब अमीर सभी तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। आज तक कभी ऐसी कोई बात ना है, ना हुई, ना आगे होगी। हम खुद हिंदू संस्कृति के अनुसार सब चीज़ें रीति रिवाज पालन करते हैं। रोज़ सुबह सरस्वती गायन होता है, गणेश वंदन होता है, ऊपर से गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता है बच्चों को, और सभी फंक्शंस में जो है टीका लगा के स्वागत किया जाता है। तो मेरा सिर्फ इतना इसमें यही कहना है कि इस मैटर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर एक पक्षीय रूप में पेश किया गया, विद्यालय का कोई पक्ष नहीं रखा गया। आप शायद पक्ष रख रहे हैं, बड़ी खुशी है मुझे इस बात की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि कृपया ऐसी बातों पे, ऐसे असामाजिक लोगों की बातों पे, ऐसे शरारती तत्वों पे कोई संज्ञान ना दें। और ये मेरा विद्यालय का पक्ष है, हम पहले भी रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं को से हमें कभी कोई परेशानी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। विगत 42 सालों से स्कूल संचालित है जी, और इसमें लगातार आपके यहाँ से कई अचीवमेंट्स भी हुए होंगे, किस तरीके के अचीवमेंट्स हुए, बच्चों ने कहाँ तक स्मृतियाँ प्राप्त की हैं? 42 साल में विद्यालय से के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, हर साल सारे शहर को मालूम है, हर साल मेरिट लिस्ट में, स्टेट मेरिट लिस्ट में बच्चे की पोजिशंस बनाते हैं। विद्यालय से हज़ारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर तो बन के निकले ही हैं, साथ ही शिवपुरी शहर का एकमात्र विद्यालय जहाँ से दो दो IAS, IPS और IRS ऐसी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भी
सफलता प्राप्त की है विद्यार्थियों ने, और कहीं ना कहीं विद्यालय का, अपने परिवार का, शहर का, प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया है, और आप सभी सफलतापूर्वक देश विदेश में विद्यालय का और नाम रोशन कर रहे हैं।